विंध्य के सबसे अहम संसदीय क्षेत्र रीवा से भाजपा ने दो बार के सांसद जनार्दन मिश्रा को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सेमरिया विधायक नीलम अभय मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद रविवार को उन्होंने देवी मां की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में सेमरिया विधानसभा सीट से बीजेपी ने नीलम मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा था। उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी पंकज सिंह को 5,977 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2018 में अभय मिश्रा और उनकी पत्नी ने पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद 2023 के विधानसभा के पहले पूर्व विधायक पत्नी पति ने घर वापसी की और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन जब अभय मिश्रा को सेमरिया से टिकट नहीं दिया गया तो दोनों ने फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और 2023 के विधानसभा में नीलम मिश्रा के पति अभय मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। मुद्दे बहुत सारे हैं अपने जिले के लिए, जो भी मुझसे बनेगा मैं पूरे प्रयास करूंगी। खास तौर पे मुद्दा ये है कि रोजगार यहाँ पर मिलना चाहिए। जो हमारे यहाँ की युवा पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी 3-4 बार से मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी पहले भी वो उद्योग मंत्री रहे, चाहते तो कोई उद्योग यहाँ खुलवा सकते थे। हमारे यहाँ के बच्चे जो भटक रहे हैं उनको रोजगार मिल जाता। गुड़ में प्लांट भी डलवाया तो बाहर के लोग काम कर रहे हैं। अरे अपने यहाँ के जब युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलवा देते। तो इन सब चीजों में मेरा फोकस रहेगा कि जो भी मुझसे बनेगा तो मैं करने का प्रयास करूंगी। राम मंदिर भी एक मुद्दा रहे। हाँ, राम मंदिर मुद्दा न कहिए क्योंकि वो भगवान का मंदिर है। अब इसको वो बीजेपी वाले मुद्दा बना रहे हैं तो इसमें जनता तो खुद ही समझदार है और भगवान को बीच में रख के ये करना ये ठीक नहीं है। सांसद निधि के दुरुपयोग का भी मुद्दा उठा। अभी हाल ही में एक मैटर तमन्ना देश से उठा था जिसमें एक परिजन की मौत हो गई थी, उनको लाने के लिए किसी तरीके से सहायता नहीं मिल पा रही थी जी। ये विषय कितना, अब यही है सब भाजपा सरकार की नीति रीति की बताती कुछ और है, करती कुछ और है। आम जनता के लिए कुछ भी नहीं करती, बड़े लोगों के लिए सब काम करती है। अब आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोगों से क्या कहना, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, सब जानते हैं। इससे ज्यादा मैं 10 सालों से यहाँ पे बीजेपी के सांसद है, क्या मानते हैं कितना विकास हुआ है यहाँ? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो आम जनता का विकास होता है वो कुछ नहीं हुआ। गरीब ऐसे ही परेशान है, कोई पेंशन नहीं मिल रही किसी को, किसी का मतलब जैसे आप घरों में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास का ही देख लीजिए, किसी का घर नहीं बना है आज तक, पूरी किस्तें आज तक किसी की नहीं मिली, लोग अपनी जेब से लगा के घर बनवा रहे हैं। तो क्या विकास है? आम जनता के लिए तो आप विकास करते हो।